एक तरफ इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर छुरियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की कुछ पार्टियों ने तो ऐसी छुरी निकाल ली जो देश को ही जख्म दे देगी। इंडी गठबंधन के एक खिलाड़ी हैं उमर अब्दुल्ला, वो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र हो या फिर उमर अब्दुल्ला के बयान, सब चर्चा में बने हुए। अपने चुनावी फायदे के लिए अब उमर अब्दुल्ला आतंकियों से भी हमदर्दी जता रहे हैं। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के लिए उमर अब्दुल्ला के दिल में आजकल बड़ा दर्द दिख रहा है। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि अफजल गुरु की फांसी से जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर फांसी के लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती और हम सरकार में होते तो अफजल गुरु को फांसी कभी मंजूरी नहीं देते। हम ऐसा कभी नहीं करते। हम नहीं मानते कि अफजल गुरु को फांसी से कोई मकसद पूरा हुआ है। सोचिए, ये विचार है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अफजल गुरु को कानून के मुताबिक सजा मिली थी, उस पर क्या उमर अब्दुल्ला भारत के कानून पर सवाल उठा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को जवाब दिया। सुनिए। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। इंडी गठबंधन का आपसी प्रेम डिरेल हो चुका है। इंडी गठबंधन की का जो विजन है, या तो वो था नहीं और जो है वो डिरेल हो चुका है। यूपी में आदमखोर भेड़िए बहुत ही चालाक निकले। ये शार्प शूटर्स को भी गच्चा दे रहे हैं भाई। भेड़िए तो कहा जा रहा कि दो ही बचे हैं, लेकिन ये दो पकड़ में ही नहीं आ रहे, जबकि शार्प शूटर्स की संख्या दोगुनी कर दी गई है। अब 9 की जगह 18 शार्प शूटर 2 आदमखोर भेड़ियों के पीछे लगे हुए। 24/7 आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भेड़ियों के पकड़ के लिए 3-3 शिफ्ट में काम हो रहा है, लेकिन ये भाई लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे। भेड़ियों के खिलाफ इस ऑपरेशन शूटआउट को भी अब एक हफ्ता हो चुका। शार्प शूटर्स की टीम हर दिन आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन लॉक करने का दावा कर रही है, लेकिन आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हैं कि हर बार शूटर्स को चकमा देकर निकल जा रहे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन का जल्दी ही सटीक पता लगा लिया जाएगा। आदमखोर भेड़ियों के हमलों वाले पूरे इलाके की मैपिंग की जाने का दावा है और हमले की आशंका वाले पूरे इलाके को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया। इन सभी सेक्टर्स में शार्प शूटर्स की टीम 24 घंटे बिना रुके ऑपरेशन चला रही है। पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। कमांड सेंटर को पुलिस कंट्रोल रूम में जोड़ दिया गया है और कमांड सेंटर में आदमखोर भेड़ियों को की कोई भी जानकारी मिलने से उस सेक्टर से जुड़ी टीम को अलर्ट कर दिया जाता है कि देखो यहां कुछ लग रहा है कि है। तो यह जानकारी मिल रही है। एक तरफ आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए नए नए प्लान तैयार हो रहे हैं, वहीं गांव वालों का दावा है कि शनिवार की रात को भेड़िए ने एक बार फिर हमला बोला। दावा किया जा रहा है कि इस बार भेड़िए ने एक लड़की पर हमला किया जिसकी उम्र 17 साल से 18 साल के बीच बताई जा रही है। लड़की पर उस वक्त हमला हुआ जब वो रात को किसी काम से घर से बाहर निकली। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भले ही दावा किया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से आदमखोर भेड़िए ने हमला नहीं किया, लेकिन गांव में दहशत ऐसी है कि लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि बोलने से क्या, एक हफ्ता नहीं दिया, दो दिन नहीं दिया तो तीसरे दिन भी नहीं देगा। आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर बच्चे हैं, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग हथियार और डंडे लेकर घरों के बाहर सो रहे हैं। गांव की गलियों में शिफ्ट लगाकर गश्त चल रही है। जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नयापुरवा गांव में हम मौजूद हैं। रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर कुछ लोग बाहर नजर आ रहे हैं जिनके पास लाठी है और इसमें देखिए कैसे ये धारदार हथियार है कि कहीं भेड़िया अगर आ जाए तो उससे कैसे दो चार होना है या उससे अपना बचाव कैसे करना है। टॉर्च भी आपको नजर आ जाएगा और लोग बाहर सो रहे हैं। दरअसल हमें ये लगा था कि अभी इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी महसी तहसील में लोग जो है वो बाहर यूं ही सो रहे हैं और इसलिए हमने अपनी गाड़ी रोकी और हम तुरंत यहाँ आए इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन देखा कि यहाँ तो ये तैनात है, शायद अपने गाँव की ही सुरक्षा कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? संतराम यादव। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? 3 लोग बैठे हैं, हरहा रखे हैं, यहाँ हरहा रखे हैं, भेड़िया का शंका है इसलिए
पसपलवा पाले हैं, छोटे छोटे डीचर हैं, हाँ। उनको बचा रहे हैं, हाँ। जो ग्रामीण लोग हैं उनका दर्द समझिए कि कैसे रात रात भर डर के साए में उनकी जिंदगी गुजर रही है।